शहर को स्वच्छ एवं सुंदर रखने की दिशा में भिलाई निगम सतत कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में अवैध पोस्टर एवं पैम्पलेट होर्डिंग्स जैसे प्रचार सामग्री को हटाया जा रहा है। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अवैध पोस्टर एवं प्रचार सामग्रियों को हटाने का काम किया गया। मुख्यतः सुपेला चौक से लेकर गदा चौक के अवैध प्रचार सामग्री हटाए गए। चेतावनी देने के बाद भी अवैध पोस्टर और होर्डिंग तथा प्रचार सामग्री लगाने वाले पर जुर्माना भी लगाया गया। कार्रवाई के दौरान 7 दुकानों से 5,600 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर एवं अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने अवैध प्रचार सामग्री एवं बेतरतीब पोस्टर को शासकीय संपत्ति के स्थानों से हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। निगम आयुक्त के आदेश के परिपालन में निगम का अमला सड़क किनारे से तथा विद्युत पोल में लगे अवैध प्रचार सामग्रियों को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। देखिए, जिला प्रशासन से माननीय कलेक्टर महोदय जो है वो लगातार निगम क्षेत्र को विजिट कर रहे थे। विजिट के दौरान कई जो जगह हैं, जैसे आपके यात्री प्रतीक्षालय हैं, बस स्टैंड हैं और चौक चौराहे हैं, वहाँ पे ट्रांसफार्मर हो गए, तो इन स्थानों पे प्राइमरी देखा जाता था कि कुछ पंपलेट जो हैं वो चस्पा कर दिए जाते थे, किसी के होर्डिंग जो हैं वो बेतरतीब चस्पा कर दिए जाते थे, वो भी विदाउट परमिशन। तो ये सब चीज़ें जो है शहर की स्वच्छता में कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। और चौक चौराहे में जो जितनी अच्छी सुंदरता बनी हुई है, दीवारों पे चस्पा करना, कहीं भी चस्पा कर देना, खासकर बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको मतलब बताया भी नहीं जा सकता, ऐसे मतलब रोग के बारे में चस्पा करना, तो वो सब सारी चीज़ें जो हैं वो अभद्रता की उसमें श्रेणी में आते हैं और दिखने में भी जो है शहर की सुंदरता में दाग लगता है। ये सब पहलुओं को देखते हुए माननीय कलेक्टर साहब ने जो निर्देश दिए हैं उसके तारतम्य में नगर निगम भिलाई में आयुक्त महोदय के निर्देशन पर जो है लगातार जोन सभी जोन क्षेत्रों में इसकी कार्रवाई की जा रही है। अवैध होर्डिंग पोस्टर जो हैं जो चस्पा किए जा रहे हैं वो निकाले जा रहे हैं, इनके संबंध में संबंधित को नोटिस भी जारी किया जा रहा है। यदि नोटिस के बाद भी यदि वो नहीं मानेंगे तो उन पर जुर्माना की भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी नियमानुसार निगम के तहत एक्ट के तहत 1956 के तहत जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। अवैध होर्डिंग पोस्टर समाचार सामग्री के विरुद्ध निगम ने सख्त कार्रवाई का रवैया अपनाया है। आगे भी यह कार्रवाई इसी प्रकार जारी रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।